ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसके अंदर योगी प्राण और मन को लय कर देता है, प्राण मन को बांध देता है। यह बात समझ में नहीं आती कि मन को प्राण को कैसे उसके मंडल में हम बांधेंगे और कैसे हम अमन हो जाएंगे। लेकिन हमें ज्ञान सदगुरु का है, सदगुरु हमें वह विज्ञान दिए हैं, वह साधना दिए हैं, वह अभ्यास हम करते हैं कि किस तरह से मन को प्राण को उसकी भूमि में कैद कर लिया जाए, कैसे अमन हो जाया जाए और कैसे आत्मिक आधार से साधना की जाए। विहंगम योग का जो दर्शन है वो क्या कहता है कि जहां पर मन है वहां पर कर्म है और वहां पर बंधन है, वहां पर कोई भक्ति नहीं है, वहां पर कोई पूजा नहीं है, कोई उपासना नहीं है, कोई साधना नहीं है। साधना भक्ति उपासना तो वहां पर है जहां पर आत्मिक आधार है, जहां पर आध्यात्मिक स्रोत है, जहां पर सद्गुरु का मंडल है, जहां पर चेतन केंद्र है, जिसकी विधा हम जानते हैं सद्गुरु पितर के द्वारा। हमारे पास क्या है? एक ही वस्तु है, वह है आध्यात्मिक परमाणुओं का योग वियोग, वह है अक्षर का इक्षण प्रयोग, वह है आध्यात्मिक धरोहर, आध्यात्मिक धन जो मुझे मिला है परंपराबद्ध। कुम्हार के लड़के को घड़ा कैसे बनाया जाए कोई सिखाता नहीं है, मछली को जल में तैरना कौन सिखाता है, शेर के शावक को शिकार करना कौन सिखाता है, वैद्य के लड़के को औषधि का ज्ञान कौन कराता है, कोई नहीं कराता। नित तैरने का ढंग मछली को सिखाता कौन है और शेर शावक को मृगया सिखाता कौन है। तो सद ज्ञान योगी वंश बालक को सिखाता कौन है, वह वंश के अनुकूल ही होता स्वयं योगारूढ़ है। तो ज्ञान का जो आधार है वह दो तरह का है। पहला आधार भौतिक है, ऐन्द्रिक है, प्राकृतिक है, जिसमें साधना है, भक्ति है, योग है, तन के आधार से, वाणी के आधार से, मन के आधार से, प्राण के आधार से। और दूसरा जो आधार है वह अपना चेतन आधार है, वहां पर अपनी चेतन भक्ति है, वहां पर अपना चेतन योग है। हमारे सद्गुरु पितर ने क्या कहा कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर किसका किसका योग है? चेतन चेतन का योग है। ब्रह्म विद्या योग के अंदर आत्मा परमात्मा का योग है। विहंगम योग की साधना के अंदर
आत्मा भक्ति करता है, आत्मा जो करता है। नित्य अनादि गुरुदेव हमारा, नित्य अनादि गुरुदेव हमारा, चारों जुग मह रहे परचारा, अखुले सुषमना दसवां द्वारा, खुले सुषमना दसवां द्वारा, अगगन महल में भय पैठारा। हम उस महान सत्ता से जुड़े हुए हैं जिसकी शक्ति मात्र से हमारी चेतना ऊर्ध हो जाती है। जिस महान सत्ता ने अपने जीवन के अंदर कितनों की ब्रह्मनाड़ी खोली थी, कितनों का सुश्रवण प्रवाह किया था, चेतना ऊर्ध किया था, वह ज्ञान विज्ञान आज भी उसी रूप से प्रसारित हो रहा है। अंतर क्या है? पुराने शरीर से नए शरीर में वो ज्ञान आ गया है। स्वामी जी कहते थे कि एक धारा है, एक स्रोत है, एक प्रवाह है। यह धारा यह स्रोत यह प्रवाह चलता रहेगा, इसका भी एक समय है, एक सीमा है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सभी उस समय सीमा के अंदर साधना कर रहे हैं, जिसके विषय में हमारे सद्गुरु पितर ने बहुत पहले ही कह दिया है कि मेरी शक्ति कब तक कार्य करेगी, कितने जीवों का उद्धार होगा, कितने जीव मुक्त होंगे। हम जो भी सदगुरु के शिष्य हैं, साधक हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, जिज्ञासु हैं, हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें जो भी उपदेश मिला है, हमें जो भी दीक्षा मिली है, चाहे हम प्रथम कोटि में हों, चाहे हम दूसरी कोटि में हों, चाहे हम तीसरी में हों, चाहे हम चौथी में हों, चाहे हम अंतिम मंजिल पर हों, जिसको जिस कोटि का उपदेश है, पहले सदगुरु को याद कर ले अपने अपने भूमि पर और साधना शुरू करें।